रालोसपा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा जदयू में शामिल हुए। जदयू के पटना स्थित राज्य मुख्यालय स्थित कर्पूरी ठाकुर सभागार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को जदयू में शामिल कराया। जदयू पार्टी ऑफिस में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुशवाहा को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद बारी बारी से जदयू के बड़े नेताओं ने कुशवाहा को गुलदस्ता देकर स्वागत किया। बिहार में आज आधी रात से प्राइवेट बसों का किराया बढ़ जाएगा। सोमवार से बसों में सफर करने पर 20% अधिक किराए का बोझ पड़ेगा। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने राज्य की सभी रूटों पर प्राइवेट बस भाड़े में 20% बढ़ाने का ऐलान किया है। बिहार की राजधानी पटना में एक कॉलेज छात्रा के साथ रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। उसके साथ चलती कार में दुष्कर्म किया गया। 2 दिनों तक नाबालिग छात्रा को बंधक बनाकर भी रखा गया। इतना ही नहीं, बलात्कार का वीडियो बनाया गया और फिर उसकी मांग में सिंदूर भी भर दिया गया। बिहार में कोरोना की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और सिविल सर्जन 3T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट पर काम करेंगे। मुंबई, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और पंजाब में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये कदम उठाया जा रहा है। अररिया के सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने दर्जनों समर्थकों के साथ सदर अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। टीका लगने के बाद उन्होंने बताया कि टीकाकरण के बाद उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। टीका लगाने के बाद सांसद ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में पूरे देश ने जो एकजुटता का प्रदर्शन किया है, उसी का परिणाम है कि देश इस बीमारी से निपटने में सक्षम है। सुपौल जिले के राघोपुर थाना क्षेत्र के गद्दी वार्ड नंबर 12 में देर रात एक ही परिवार के सभी 5 सदस्यों की शव बंद घर में फंदे से लटके मिलने के मामले में भागलपुर से फोरेंसिक टीम घटना स्थल पर पहुंची। बताया गया है कि टीम द्वारा जांच शुरू कर दी गई है, जिसमें आधुनिक 3D क्राइम सीन एनालिसिस यूजिंग फेरो सिस्टम से सभी पहलुओं पर जांच उपरांत परिवार के सभी 5 शवों को पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम में भेजा गया है। उपेंद्र और नीतीश के साथ को लेकर बिहार के राजनीतिक हलके में जमकर बयानबाजी हो रही है। जदयू और भाजपा इसे स्वाभाविक और बिहार के हित में लिया गया फैसला बता रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और राजद ने इसे अवसरवाद की पराकाष्ठा बताया है। इधर राजद नेता तेजस्वी यादव के मुताबिक ये पूरा विलय ही फर्जी है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को पहले ही रालोसपा से बाहर कर दिया गया था और इस पार्टी का विलय राजद में हो चुका है। उत्पाद विभाग की टीम ने राजौली में जांच चौकी पर रविवार की अलसुबह वाहन जांच के दौरान एक बस से लगभग 45 किलो गांजा बरामद किया। इसके साथ 5 धंधेबाजों को गिरफ्तार किया है। उन पर NDPC एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। वहीं आरोप है कि इनमें से 2 को छोड़ने के एवज में एक सिपाही ने डील कर फोन पे अकाउंट पर 20,000 रुपए मंगवाए हैं। मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर विस्फोटक वाली कार के मामले में अब इसका तार बिहार से जुड़ गया है। जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों ने जिस मोबाइल सिम को तिहाड़ जेल से बरामद किया है, वो समस्तीपुर के रहने वाले तहसीन के सेल से बरामद किया गया है। जानकारी के अनुसार तिहाड़ जेल में बंद IM का आतंकी तहसीन अख्तर उर्फ मोनू समस्तीपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मनियारपुर गाँव का निवासी है।